नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू कुमार और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो पैसे भेजेंगे आपको बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिलने वाला है। जहाँ दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चलिए कैसे आपको मिलेगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल जैसे भी आइकन है कि उस पर भी आपको क्लिक कर देना है, तब आपको हमारे और भी अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और क्या क्या करना है आपको, अपना जो है पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट कर लीजिएगा। देखिए जो पेटीएम ने बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पर निकासा है। देखिए यहाँ पे सबसे मिल रहा है, देखते हैं पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में कैशबैक। अगर नहीं लिखा आ रहा है तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पासबुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे लास्ट जो पेमेंट यहाँ पे हुआ है बिट्टू कुमार 50 रुपये, और यह जो है कल पेमेंट हुआ था। चलिए मैं आपको अभी जो पेमेंट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले पे के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर लिख देना है जिस पर भी आपको पे करना है। चलिए मैं अपना जो है नंबर यहाँ पे ले लिया हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 रुपया इस अकाउंट पर हम पे कर देते हैं। और मेरे अकाउंट देख सकते हैं 544 रुपये था। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बैक कर लेते हैं। सबसे पहले फिर से जाते हैं पासबुक के ऑप्शन पर और देख सकते हैं पासबुक ऑप्शन पर जाने के बाद मेरा जो भी अकाउंट से 1 रुपया कट गया है। देख सकते हैं 1 रुपया कट गया है। अब क्या करते हैं, फिर से हम 1 रुपये पे करते हैं, इसी नंबर पर हम कर लेते हैं पे। और क्या करना है आपको, इसी तरह से आपको पे करना है। आपको जो कोई भी नंबर हो, आप ही का नंबर हो या फिर किसी का भी नंबर हो, आपको ऐसे ही करके आपको पे करते रहना है, 1-1 रुपये करके पे करते रहना है। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है 2 बार पे कर चुका हूँ। फिर से मैं आपको जो है अपना पासबुक दिखा देता हूँ और देख सकते हैं मैं अपना पासबुक फिर से दिखा देता हूँ। मेरे अकाउंट से 1-1 रुपये करके 2 बार कट चुके हैं। अब क्या करता हूँ, मैं फिर से एक बार और इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक नंबर इसी नंबर पर फिर से एक बार हम पेमेंट करते हैं। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको पूरा जो है समझ में नहीं आएगा और फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आप हमें कहिएगा कि भाई मुझे कैशबैक नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। आप लोग बहुत सारे जो सवाल करने लगते हैं। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो 3 बार पेमेंट कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम जो है दूसरे नंबर पे हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने दूसरे नंबर को यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक इसी नंबर पे 1 रुपये करके भेज रहा हूँ। और देखते हैं मैं यहाँ पे जो अपना 1 रुपये फिर से भेज चुका हूँ और फिर से क्या करता हूँ, और फिर से हमें पे का ऑप्शन हमें मिल रहा है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पे ऑप्शन पे जाना रहेगा। सबसे पहले अपना जो है वॉलेट फिर से दिखा देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं मैं यहाँ पे फिर से एक बार पे कर चुका हूँ। और इसी के तरह से आपको क्या करना है, पे करते रहना है। मैं यहाँ पे जो फिर से पे कर लेता हूँ और फिर से हम क्या करते हैं, फिर से 1 रुपये हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से 1 रुपये हम पे करते हैं। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिर से 1 रुपये पे कर दिया हूँ। अब हमें क्या करना है, फिर से एक बार हमें इसी नंबर को हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से क्या करना है आपको, इसी तरह से पे करते रहना है, पे करते रहना है। और यहाँ पे लास्ट बार हम जो है पे कर रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 1-1 रुपये करके आपको आपके पास जितने भी अकाउंट है आपको सभी अकाउंट पे आपको 1-1 रुपये करके पे करना रहेगा। और देख सकते हैं मैं 1-1 रुपये करके यहाँ पे टोटल मेरा जो बैलेंस यहाँ पे कर चुका है 1-1 रुपये करके, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तब तक जो है मैं आपको एक पेटीएम का प्रोमो कोड बता देता हूँ जिसमें से जो है काफ़ी चेंज हो चुका है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन पे। मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और एक नंबर को हमें से ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ से अमाउंट में हम यहाँ पे रख लेते हैं 65 रुपया। और 65 रुपया रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिल रहा है प्रोसीड टू रिचार्ज, क्योंकि 65 रुपये में अगर हम रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें जो काफ़ी यहाँ पे कैशबैक अर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको हेवा प्रोमो कोड, हेवा प्रोमो कोड के ऑप्शन पे जाइए और पेटीएम का प्रोमो कोड आपको लिखना है। देखिए दोस्तों ये जो प्रोमो कोड है शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन आप लोग इसको यूज नहीं किए होंगे। अगर यूज किए होंगे तो आपको वहाँ पे मिल रहा था ज़्यादा पैसा, लेकिन अब आपको जो है कम पैसे यहाँ पे वो मिलेगा। देखिए पेटीएम का प्रोमो कोड है GRAB ग्रैब और उसके बाद फिर 25। देखिए ग्रैब 25 को अगर आप यूज करते हो, यहाँ पे ग्रैब 25 को हम अगर यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली अगर 25 रुपये का पहले रिचार्ज करते थे 25 रुपये कैशबैक मिलता था। लेकिन अब क्या है, ग्रैब 25 को अगर आप यूज करते हो तो कोई भी रिचार्ज में अगर अप्लाई ले लेता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 10% का ही कैशबैक मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे आप जितने रुपए का भी रिचार्ज करो जो है आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैशबैक जो है वो भी आपको मिलेगा 25 रुपये तक। लेकिन जिसमें जो है पेटीएम थोड़ा सा इस ऑफर को डाउन कर दिया है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसका जो मैक्सिमम कैशबैक है आपको 25 रुपये मिलेगा अगर आपका जो है प्रोमो कोड अप्लाई हो जाता है तो। अब देखिए दोस्तों बात आ जाती है जो 1 रुपये मैंने भेजा था अब उसका क्या होगा। और देखिए जो कैशबैक का मैं आपको बता रहा था कि आपको 1 रुपये करके भेजना है, 2 रुपये करके भेजना है, और आप देख सकते हैं मुझे कैशबैक मिल चुका है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये सब जो है मुझे 11 दिसंबर को मिला है। मैंने इसको जो है बहुत जो पहले यूज कर चुका था और अभी मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे कैशबैक अभी नहीं मिला है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार अपने वॉलेट में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने वॉलेट में चलता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वॉलेट में आना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, सबसे पहले पासबुक के ऑप्शन पर जाना है। पासबुक ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है पेटीएम वॉलेट पर। पेटीएम वॉलेट के ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से देख सकते हैं
आपका जो भी रहेगा पासबुक में जितना कटा उटा रहेगा सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। और देखते हैं मैं अपने जब और वॉलेट में आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मुझे जो एक एक रुपये करके मुझे यहाँ पे देखते हैं कैशबैक मिल रहा है और एक एक रुपये करके मुझे बहुत सारे जो कैशबैक यहाँ पे मैं यहाँ पे लूट लिया हूँ। तो आपको भी जितना मन करे उतने रुपये का आपको कैशबैक मिल सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है एक एक रुपये करके या फिर दो दो रुपये करके आपको भेजना है। और आपको जो कैशबैक रहेगा तुरंत में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पे जो देखते हैं आपको इतना कर लेने के बाद ये जो पेटीएम का ऑफर तो हो गया है और फ्लिपकार्ट में एक ऑफर चल रहा है जो कि मैं आपको कल भी बताया था और आज भी जो है इस जो है गेम में मैंने मिस कर दिया, क्योंकि ये जो गेम रहता है सिर्फ और सिर्फ 8 बजे रहता है और फिर 12 बजे रात को रहता है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको मिल रहा है थ्री डॉट का ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आपको मिल रहा है एक रिचार्ज का ऑप्शन, आपको जो इससे आप रिचार्ज कर सकते हो। ये आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो पहले दे रहा था 50 रुपये का डिस्काउंट, लेकिन अभी जो है 25 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 26 रुपये का भी रिचार्ज करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गेम जोन का ऑप्शन को मिलेगा, गेम जोन का ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गेम खेलना है। देखिए गेम खेलने के लिए कोई भी पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो देख सकते हैं सबसे पहला जो आपको यहाँ पे गेम मिल रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं 12 बजे यहाँ पे रात को शुरू होगा 13 दिसंबर को। और यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे जो दूसरा गेम शुरू होने वाला है 14 दिसंबर को, ये 12 बज के AM में यहाँ पे शुरू होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो 14 दिसंबर को ही 8 बजे AM मतलब 8 बजे PM में यहाँ पे खेला जाएगा, मतलब कि रात को 8 बजे और रात को 12 बजे, ये एक दिन में दो गेम खेला जाता है। आपको अगर खेलना चाहते हो तो यहाँ पे खेल सकते हो, कोई भी पैसे यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। और देख सकते हैं अगर आप जो जीतते हैं तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने रुपये कितने पॉइंट बनाने होंगे और कितने पॉइंट में आपको कितने रुपये मिलेगा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो टोटल देख सकते हैं अभी जो टोटल का पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि टोटल का पॉइंट कितना है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मतलब कि आपको कितना देखते हैं यहाँ पे जो गेस कर लेते हैं कि कौन कितना पॉइंट जीता है और कितना रुपये आप उनको मिलेगा। यहाँ पे क्या करता है देखते हैं राज कार्तिक जो यहाँ पे हैं उनको 5000 रुपये का वाउचर कार्ड मिलेगा फ्लिपकार्ट के द्वारा। और यहाँ पे देखते हैं 10 जो और भी वाउचर कोड्स मिलेगा, यहाँ पे 16 और जो हैं जिनको मिलेगा, देखते हैं जो 16 जो और हैं उनको मिलेगा 1-1 हज़ार का, वहाँ पे आपको 5000 नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1-1 हज़ार रुपये लेकर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है उतना पॉइंट नहीं बनाया है जितना ये लोग बना चुके हैं। देखिए दोस्तों इतना जो ऑफ़र के बाद भी एक ऑफ़र और भी है। देखिए ये जो ऑफ़र है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑफ़र यहाँ पे फ्री चार्ज के द्वारा है। देखिए फ्री चार्ज को वो भी आप जो है कम मत समझिए, फ्री चार्ज भी पेटीएम का जैसा ही एप्लीकेशन है जिसमें से आप जो है रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हो। देखिए फ्री चार्ज में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऑप्शन पर जाना रहेगा। और मोबाइल के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपको एक मोबाइल नंबर ले लेना है। मैं यहाँ पे जो अपना एक जियो नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ और जियो नंबर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर वगैरह को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि आप लोग पेटीएम में करते आए हो और करते हो, या फिर कभी कभी ऑटोमेटिक भी ले लेता है, इसमें भी ऑटोमेटिक ले लेता है। और यहाँ पे क्या करना है आपको कौन सा स्टेट का सिम है सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कितने रुपये का आपको रिचार्ज करना है, मैं यहाँ पे जो 100 रुपीज़ रख लेता हूँ। और यहाँ से मैं जो तीर वाला निशान है ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोमो कोड का। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक प्रोमो कोड है उसको आप यूज करके अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको 75 रुपये का कैशबैक मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नहीं आए हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे और भी अगले बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे हैवा प्रोमो कोड का ऑप्शन पे आपको लिखना रहेगा Jio75। देखिए अगर Jio75 को अगर आप लोग यूज करते हो, यहाँ पे देख सकते हैं Jio75 हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं Jio75 मेरा जो अप्लाई हो गया सक्सेसफुल्ली। और अगर जो है Jio75 को यूज करके हम अगर इस रिचार्ज को सक्सेस मतलब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 75 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी रिचार्ज करो जियो का या फिर जो है एयरटेल का या फिर वोडा का या फिर आइडिया का, देखो अगर आपको 75 रुपीज़ का रिचार्ज करते हो तो आपको 75 रुपीज़ का कैशबैक देगा। तो उसमें से अगर आप जियो को छोड़कर जैसे कि अगर अदर जो है टेलीकॉम हो गया एयरटेल वोडा आइडिया उसमें से आपको सिर्फ और जो प्रोमो कोड है अप्लाई करने के लिए New75 को अप्लाई करना तभी इसमें 75 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अगर आप जो है जियो का रिचार्ज कर रहे हो और New75 अप्लाई नहीं ले रहा है तो आप Jio75 को यूज करो जिसमें से आपको 75 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी का रिचार्ज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा Jio75 को नहीं यूज करके आपको एयरटेल का अगर रिचार्ज कर रहे हो तो आपको New75 को अप्लाई करना होगा, तब आपको फ्री चार्ज के द्वारा 75 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस वीडियो में तो इतना ही रहेगा दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें से देख सकते हैं बहुत सारे जो ऑफर आ रहा है, मुझे और भी ऑफर आ चुका है लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप हम
सारे ऑफर को आपको बता देंगे तो आपको हो सकता है कि उल्टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑफर को एक बार यूज करने से आपको दिमाग में थोड़ा सा लगेगा कि कितना ऑफर है, आप लोग यूज कर नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस वीडियो में तो तीन ही चार ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जितने भी ऑफर आ रहा है। यहाँ पे एक जो और भी ऑफर आया, जबरदस्त ऑफर है, तो इस वीडियो में इतना ही रहता है, तो मिलते हैं।